दोस्तों ऋतिक रोशन की एक्शन और थ्रिलर से भरी फिल्म फाइटर आने वाली है जो शायद बड़ी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। तो भाई लोग फाइटर का एक छोटा सा ग्लिम्स मेकर्स ने अपलोड किया है। वैसे इसे ग्लिम्स तो नहीं बोल सकते क्योंकि इस वीडियो में ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण अपने फाइटर वाले कॉस्ट्यूम में दिखाई देते है। यानी कि ये एक कंसेप्ट वीडियो हो सकता है जिसमें फाइटर में क्या होगा ये हमें साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों फाइटर में ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और दीपिका ये तीनों फाइटर के कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। पर दोस्तों फाइटर मूवी किस स्टोरी प्लॉट में सेट की गई है इसके बारे में हमें फिलहाल तो कुछ नहीं पता। पर सिद्धार्थ आनंद फाइटर के डायरेक्टर है तो फिल्म की कहानी देशभक्ति पर तो जरूर बनी होगी जैसे की वॉर और पठान थी। फिर भी कुछ रिपोर्ट्स और रूमर्स की माने तो फाइटर में ऋतिक रोशन एक शमशेर नाम का कैरेक्टर प्ले करने वाले है जो शायद पठान में से एक था। पर दोस्तों उसका सपना एयरफोर्स में जाने का होता है। पर दोस्तों शमशेर को काफी सारी पर्सनल प्रॉब्लम होती है इसलिए उसको अगर एयरफोर्स में जाना है तो उसको अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों कुछ ऐसी फाइटर की कहानी होगी। और दोस्तों फाइटर इंडिया की पहली एरियल फाइट वाली फिल्म होगी जिसमें हवा में फाइट दिखाई जाएगी। और मेकर्स ने फाइटर मूवी को एक फ्रेंचाइजी बनाने का प्लान किया है। और दोस्तों ये कोई रूमर्स या फिर अंदाजा नहीं है भाई, रियल में सिद्धार्थ आनंद फाइटर के बाद फाइटर 2 निकालने वाले है। यानी कि ये भी एक फ्रेंचाइजी बनने वाली है। पर दोस्तों एक बात तो पक्की है, फाइटर मूवी बवाल करने वाली है क्योंकि अब देशभक्ति पर बनने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तोड़फोड़ मचाती है। और दोस्तों इसमें ऋतिक रोशन है तो ये बंदा ऑडियंस को अपने आप थिएटर में खींच के ले आता है। भाई आपने वॉर मूवी तो देखी होगी ना, उसने क्या बवाल किया था ये हम सबको पता है। तो ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी भी ऐसा ही धमाल करेगी। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तब तक टेक केयर, बाय।